कल तक दिल्ली में 17,386 केस कोरोना के आए टोटल अभी तक, उसमें से 7,846 लोग ठीक होके घर चले गए, 9,142 लोग अभी भी बीमार हैं और 398 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हम परमानेंटली ज़िंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि एक महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते 2 चीज़ों पर ही मेरे लिए चिंता होगी। अगर दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ने लगा, मेरे लिए चिंता होगी। मेरा पूरी कोशिश है कि कोरोना के मरीज अगर बढ़ भी रहे हैं तो वो ठीक हों और घर चले जाएं, ठीक हों और घर चले जाएं। तो मौत नहीं होनी चाहिए कोरोना की वजह से कम रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, कोरोना की वजह से मान लीजिए 10,000 पेशेंट हो गए और हमारे पास 8,000 बेड हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय है। जब लोग इधर उधर के धक्के खाएंगे बेड के लिए, मेडिकल के लिए, इंतजाम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अगर लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे तब मेरे लिए चिंता का विषय है। और अगर बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, वेंटिलेटर कम पड़ गए, पीपी किट कम पड़ गए, तो उसकी वजह से मौत भी ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि उनको इंतजाम नहीं मिलेगा। तो इस तरफ हमने पिछले एक हफ्ते में हमने बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया है। आज दिल्ली में 17,386 अभी तक टोटल केस हुए, इनमें से केवल 2100 पेशेंट अस्पतालों में हैं, बाकी सब घरों के अंदर है। जो भी एक्टिव पेशेंट्स हैं घरों में हैं, घरों में इंतजाम कर रहे हैं, घरों में इलाज करा रहे हैं। 2100 पेशेंट अभी अस्पतालों में हैं, और हमारे पास पिछले एक हफ्ते में हमने इस पर काफ़ी काम किया है, आज की डेट में 6600 बेड कोरोना के, केवल कोरोना के लिए 6600 बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था एक हफ्ता पहले, हमारे पास टोटल मिला के 4,500 बेड का इंतजाम था। पिछले एक हफ्ते में हमने 2100 और बेड का इंतजाम कर लिया, 6600 बेड हैं आज हमारे पास। इन 6600 बेड्स में से केवल 2100 बेड के ऊपर पेशेंट हैं, 4500 बेड खाली पड़े हैं अभी अपने पास। और पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए, 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड्स तैयार हो जाएंगे।